यार आजकल बड़ा मद्दा लग रहा है, कोई ग्राहक ही नहीं नजर आ रहा है। अब बैठो इसका ही काम कर दो वरना भी आ जाएगा। अरे वाह, टिफिन ले आया छोटे। वैसे क्या लाया आज खाने में? क्या मुझे नहीं मालूम। अरे वाह, अचार रोटी। आजा बैठ, आजा बैठ। मैं पहले काम कर लूँ फिर खाते हैं, ठीक है? यार आयाज, अच्छा जूते पॉलिश करवा लेते हैं, देख कितने गंदे हो रखे हैं। ठीक है चलो। चल बेओ गरीब, ले हमारे जूते पॉलिश कर। भैया ये क्या बदतमीजी है, जूते निकाल के दो। क्यों बे गरीब, तू हमारे जूते उतरवाएगा? करना है तो कर, नहीं तो हम जा रहे हैं। ठीक है साफ कर रहा हूँ। भैया हो गया। क्यों बे गरीब, कितने पैसे हुए तेरे? साहब 20 रुपये। ले बे गरीब। साहब ये पैसे उठा के दो, मैंने काम किए हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। क्या बे गरीब इज्जत? साले रोड पे जूते पॉलिश करता है और इज्जत की बात करता है तू? जाके पहले कोई ढंग के काम कर, फिर इज्जत की बात करना आके तू। चल लेट हो रहा है। चल यार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? इतना टेंशन है मुझे, जाओ देखो ट्रक 2 दिन में तैयार। छोटू लेके जाओ इनको। चलो चलो, चलो। यार छोटू ये ट्रक पहुँच जाना चाहिए, बहुत टेंशन है। अगर 2 दिन में ये ट्रक बना नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा। 3 दिन से मिस्त्री भी नहीं आ रहे हैं। जाओ शहर जाओ, कोई अच्छा मैकेनिक लेके आओ। हेलो। हाँ यार भाई, आपका ट्रक बस बन रहा है, हो जाएगा यार, खाली 2 दिन का समय दे दो यार प्लीज़ भाई, हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। भैया क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ भैया तुझे मतलब नहीं, निकल यहाँ से। भैया क्या हुआ बताइए तो। यार 2 दिन में ये ट्रक जाने वाला था, अभी तक गया नहीं है, इसका मालिक फ़ोन कर रहा है। भैया एक बात बोलूँ, अगर इसमें इंजन का काम है तो इंजन का काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, 3 साल पहले मैं करता था, अगर आप कहो तो मैं स्टार्ट कर दूँ काम। क्या बोला, तुझे आता है इंजन का काम? जी भैया। 2 दिन में करके दे देगा? जी भैया दे दूँगा। जाकर अगर नहीं हुआ तो सोच लेना।
क्या हुआ, काम सही चल रहा है? हाँ भाई सही चल रहा है, नए मैकेनिक को रखा हूँ। जल्दी काम हो जाना चाहिए, वो बंदा बार बार ही मेरे पास कॉल कर रहा है। बे साला गरीब मोची, तूने इस गरीब को काम पे रखा है? बुला साले को। ए, इधर आ। जी भैया क्या हुआ, तूने इसको काम पे रखा है? जी भैया मुझे बोला इंजन का काम आता है तो मैंने रख लिया। अबे तू कितनी भी मेहनत कर ले मेरे जैसा नहीं बन सकता। छोटू न्यूज़पेपर ला, ये देख मिस्टर आयुष खुराना द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। अबे जिस गली से गुजरता हूँ ना लोग सलाम करते हैं मुझे, तेरी क्या औकात है? ये सारे ट्रक्स देख रहे हैं ना, जितनी भी कंपनियाँ सब मेरे अंडर में काम करती हैं। आ तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। देख ये तेरी औकात जूते साफ करने की। अबे साले तू गरीब पैदा हुआ है ना, गरीब ही मरेगा। तुम गरीब कितनी भी मेहनत कर लो, हम अमीरों जैसी इज्जत नहीं कमा सकते। दो कौड़ी की औकात है, चल निकल इधर से, दोबारा दिख मत जाना। हाँ यार पीयूष, यार आज मैं नए काम के लिए गया था, दो चार घंटे काम भी किए हैं तो यार उस मालिक ने मुझे निकाल दिया। वो कोई और नहीं था, जो उस दिन पॉलिश करवाने आया था ना वो वही था। पीयूष एक बात तो है, यहाँ इज्जत लोगों की नहीं बस पैसों की होती है, और हम गरीब कितनी भी मेहनत कर लेना हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। भैया आप गलत कह रहे हैं, मैंने स्कूल में सुना था मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। भैया आप इतनी जल्दी हार मत मानिए, जिंदगी में एक रास्ता नहीं बहुत रास्ते हैं। बात तू सही कह रहा पीयूष, अगर बात मेहनत की है ना तो मैं जी जान लगा दूंगा अपनी, अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। चल ठीक है तू पढ़ाई कर अच्छे से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, प्रदेश के दो बड़े कारोबारियों पर आईटी की रेड मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। कारोबारियों के ग्रुप पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, जहां पर सावर आईटी रेड की छापेमारी। रेड ने 13,000 से बड़ी खबर के साथ प्रदेश के दो बड़े कारोबारियों पर आईटी की रेड मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। कारोबारियों के ग्रुप पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, जहां पर सावर से ज्यादा कैश, 20 किलो सोना, 50 किलो चांदी। मिश्रा जी, जी सर, इस बार अपनी कंपनी टॉप पे जानी चाहिए जी। और सर के जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सबको यहाँ बुलवाओ, और जो अपने एम्प्लॉई हैं उन सबकी सैलरी बढ़वाओ, कुछ भी करके अपनी कंपनी टॉप पे जानी चाहिए। सर आप टेंशन ना लीजिए, मैंने सारा मैनेजमेंट कर दिया है, इस बार हमारी कंपनी टॉप लेवल पे जाएगी। ये कुछ खाने दे दो, बहुत तेज़ भूख लगा है। ये कुछ खाने दे दो भैया, बहुत तेज़ भूख लगा, सुबह कुछ खाया नहीं है। भैया थोड़ा खाने दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। भैया खाने दे दो, बहुत तेज भूख लगा है। भैया कुछ खाने दो, सुबह से कुछ खाया नहीं। गरीब तुझे भीख मांगने कमी नहीं है क्या, बार बार ढकेल घुरा है। देख मेरे पास छुट्टे तो नहीं है। अरे छुट्टे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? भैया इसी भिखारी ने परेशान कर रखा है। अबे गरीब तू क्या बोला? गरीब? गरीब मैं नहीं, गरीब तू, और मैं इस कंपनी का मालिक।
इस कंपनी का मालिक वो भी तू, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब है। शायद तू न्यूज़ नहीं देखता। जिस टाइम तू बर्बाद हो रहा था उस टाइम मैं मेहनत कर रहा था, और मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि तेरे सारे इलीगल कामों की वजह से सरकार ने तेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली और तेरी सारे कारखाने को सीज कर दिया। बहुत घमंड था ना तुझे अपने वक्त पे, बहुत फ़ोटो फोटो करता था ना। जो फ़ोटो कल तेरी अखबारों में थी वो आज कूड़े खानों में है, और इसको पहचानता है? ये मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की इसलिए आज ये मुकाम पे खड़े हैं और इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। भाई मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं था, और ये बात तो भूल ही गया था कि ऊपर वाला जिसको चाहे अमीर कर दे, जिसको चाहे फकीर। भाई मुझे माफ़ करके अपनी इस कंपनी में कोई जॉब दे दो ना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे चल ठीक है, तुझे एहसास तो हुआ कि गरीबी में इंसान के ऊपर क्या बीतती है। और एक बात याद रखना, नशा पैसे का हो या घमंड का, टूटता जरूर है। मैनेजर इसे कोई जॉब दे दो।